आज मैं आपके सामने एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करूंगा जिसके अंदर आपको काफी सही लगेगा कि एक वैल्यूएशन क्या होती है और आपको अपनी लॉन्ग टर्म बेट्स पे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। तो ध्यान से इसको स्टडी करेंगे और इसमें काफी ज्यादा आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट्स दिखाई देंगे। मेरी एक लॉन्ग टर्म पिक है जेके पेपर की, जिसको मैं पिछले 5 से 7 सालों से अपनी होल्डिंग कैपेसिटी में रखा हुआ है अपनी पोर्टफोलियो बेट के अंदर। तो मैंने नोटिस किया कि पिछले 1-1.5 महीने से जेके पेपर का प्राइस गिर रहा था और 500 के लेवल से कंपनी का स्टॉक हमारा 305-310 के लेवल पर भी आ चुका था। तो मुझे ये लगा कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो बहुत बढ़िया आए हैं, लेकिन इसके अंदर कंपनी का शेयर प्राइस क्यों डिक्लाइन हो रहा है। तो आज की डेट में अगर आपने कोई 100 रुपया भी एक स्टॉक में लगाया हुआ है और उसके अंदर थोड़ी सी आपकी वैल्यू इरोजन होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपका सबसे पहला आंसर ये होना चाहिए कि कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर इंडस्ट्री में कोई मैसिव ट्रेंड का चेंज तो नहीं आ रहा, तो उसको आप फर्दर स्टडी पे लगाएं। तो मैंने नोटिस किया कि कंपनी के जब Q1 रिजल्ट्स आएंगे, अगर उसके अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो इसका एक रीजन है स्टॉक प्राइस के अंदर डिक्लाइन का। तो मैंने कंपनी के जब Q1 रिजल्ट्स देखे तो वहां पे देखा कि 10% की कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और 18% की कंपनी ने पैट ग्रोथ दिखाई है। तो इसका मतलब पिछले 2-3 सालों का जो ट्रेंड चल रहा था, आपका कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तो सेम ट्रेंड अभी भी फॉलो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी अब स्लो होना शुरू हो चुकी है, जो कि एक बिल्कुल सही तरीका है कंपनी को वैल्यू करने का। क्योंकि अगर आप एक कंपनी से एक्सपेक्ट करेंगे हर क्वार्टर पे वो 30-40% का ग्रोथ दिखाई दे, और वो एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं होता, और अपनी आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन अपने स्टॉक के साथ रख रहे हैं। अगर आपके कोई शेयर ने आपको 2x 3x की ग्रोथ दी है और अब सस्टेनेबली वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं 10-15% पे, तो ये एक अच्छी एडवाइस है कि वो अभी भी बिजनेस फिलहाल ग्रो हो रहा है और इंडस्ट्री का ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि शेयर प्राइस अगर गिर रहा हो और कंपनी के रिजल्ट्स जब आए वहां पे अभी भी आपको पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे, तो ये इसका मतलब एक छोटा सा टाइम पीरियड है जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग कोई ना कोई इन्वेस्टर कर रहा है जिससे कि शेयर प्राइस गिर रहा है। इंडस्ट्री भी ठीक चल रही है और आपके कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन भी सही होने की वजह से मेरा अभी भी ट्रस्ट जेके पेपर के साथ प्रॉपर बना हुआ है। कंपनी के वैल्यूएशन एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 5600 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है और कंपनी का अगर 300 करोड़ से ऊपर का भी पैट बना है और इसको वो स्केलेबली और सस्टेनेबली अगर 1000 करोड़ के आसपास भी बना दे तो अभी भी कंपनी की जो पी रेशियो है वो less than 10 की होगी। तो मेरे लिए अभी भी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उस पे मेरी चेकलिस्ट जो है वो टिक हो रही है और मुझे इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। तो जरूरी नहीं है कि आपका हर स्टॉक हमेशा अपसाइड पे रहेगा, छोटे मोटे स्टॉक के अंदर डिक्लाइन भी आते हैं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है स्टॉक का वो अच्छे लेवल पे है, क्योंकि मैंने जब जेके पेपर पहली बार इन्वेस्ट किया था उसके उस प्राइस और इस प्राइस के अंदर अराउंड 3x और 4x का एक काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ मुझे मिली है। लेकिन अगर एक महीने में 10-20% स्टॉक टूट जाए तो इसमें घबराने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनी परफॉर्म कर रही है आपका हर क्वार्टर के अंदर, तो इसमें आपको सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन रखनी चाहिए अपनी कंपनी एनालिसिस के अंदर। तो मैं भी हर इन्वेस्टर को यह बताता हूं कि कंपनी को ढंग से स्टडी करो, ट्रस्ट जब आपका बन जाएगा तब आपको शेयर प्राइस से दिक्कत नहीं होगी और आप इस सिचुएशन में अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने का सोचेंगे। थैंक यू।